अस्सलाम वालेकुम। आज पश्तून टाइम्स में हमारे जो प्रोग्राम है वो एज यूजुअल काफी अरसा से हम ये पश्तून तहफ़ुज़ मोमेंट में कर रहे हैं जब से ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज हमारे पास बहुत बहुत स्पेशल पैनल मौजूद है। हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है और ये हैं पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स में और पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं और दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ के ये एडवाइजर रहे हैं। और आजकल ये हुसैन इंस्टीट्यूट में साउथ एंड सेंट्रल एशिया के डायरेक्टर हैं। हुसैन हकानी साहब हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, खुश आमदेद आपको प्रोग्राम में। और हमारे पास मुजीब साहब मौजूद हैं, मुजीब रहमान, जिनको आप लोग जानते हैं। वो तकरीबन रोजाना ही आते हैं और जब से ये पश्तून मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो ये आपके साथ व्यूज शेयर करते रहते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम को। हुसैन हकानी साहब का तारुफ मैं इस तरह से, जब मैं इनसे इनकी राइटिंग से फैसिनेट हुई थी, मैं उनको उधर से स्टार्ट कर लेती हूँ। 9/11 हो चुका था और अमेरिका उसमें हेविली इन्वॉल्व था, तो जाहिर है फिर बहुत ज्यादा वेस्ट में लिखा गया हमारे इलाके के बारे में, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक स्पेस था। तो आप उस वक्त से लेकर तकरीबन अब तक जितनी भी जो किताबें आई हैं उसमें वो जो पाकिस्तान मिलिट्री का नैरेटिव है वही आपको नजर आता है कि जी ये ट्राइब्स हैं और ये पागल हैं, जनूनी हैं, जंगी हैं, जंग से मोहब्बत करने वाले हैं, और पता नहीं पख्तून वली में इन्होंने उसामा बिन लादन को भी पनाह दी है और अरबों से शादियां की है, और वो इस तरह का सारा फजूल बातें उसमें हैं। लेकिन हुसैन हकानी साहब की ये किताब उसी टाइम में आई है, ये तकरीबन ये 2005 की किताब है, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, ये उसी टाइम की किताब है। और मुझे इसको पढ़ के इतनी खुशी हुई कि इसमें कोई ऐसी फजूल बात नहीं लिखी गई है। तो एज अ स्कॉलर मैं इसकी बहुत तारीफ भी करती हूँ और खुशी भी मुझे हुई है। जाहिर है हुसैन हकानी साहब ने जब ये किताब लिखी तो उन्होंने किसी को खुश करने के लिए तो नहीं लिखी, ना खफा करने के लिए। ये एक रिसर्च की किताब है जिसमें हर बात को रेफरेंस किया गया है, लेकिन ये रिसर्च इंसानों पे रिसर्च है, कोई सितारों पे या स्टोन्स पे नहीं है कि उनको फर्क ना पड़े। इंसान है जिनकी जिंदगियां बिल्कुल स्टेक पे हैं, लोग मर रहे हैं और एक प्रोपेगेंडा भी उनके अगेंस्ट हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसे स्कॉलर, कोई ऐसे राइटर्स जो आके ऐसा लिखते हैं कि जो हकीकत के करीब हो, तो ऑब्वियसली जो इफेक्टेड लोग हैं उनको खुशी होती है। तो मुझे इसको खुशी हुई थी और मैं रिकमेंड करूंगी कि सब लोग इसको पढ़ें जो कि पाकिस्तान के उसको समझना चाहते हैं। तो चूंकि मैंने आपके इस किताब से बात का आगाज किया और आपकी बहुत ज्यादा नजर भी है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, जिहाद और इन सारे इश्यूज के बारे में, अभी ये पख्तून तहफुज मूवमेंट जो शुरू हुआ है, जो कि बिल्कुल एक नाजी स्टाइल की खामोशी थी 9/11 के बाद हमारे इलाकों में, और कितने उसमें कत्लेआम हो गया, कोई भी माफ नहीं हुआ, हर सब लोग इफेक्टेड हो गए इस वायलेंस से, लेकिन फाइनली उस खौफ के सर्कल से लोग निकल आए हैं और उन्होंने बिल्कुल जिसको वो कहते हैं कि नेम द नेम करना शुरू कर दिया है कि हमारा मसला सियासतदानों के साथ नहीं है, हमारा मसला इसराइल और अमेरिका और इंडिया के साथ नहीं है, हमारा मसला पाकिस्तान की आर्मी के साथ है, MI के साथ है, ISI के साथ है, और ओपनली बिल्कुल लोग कह रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी किताब का भी बहुत मस्बत तारुफ कराया, और उसका तनाजुर मैं थोड़ा सा बता दूं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं। देखिए, मैं हमेशा से पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्पी लेता रहा, किरदार भी अदा किया, कोई अच्छा किरदार होगा कभी बुरा होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश जब मैं अमरीका आया तो ये थी कि तहकीक करूँ और मालूम करूँ कि पाकिस्तान हमेशा बहरानों से दो चार क्यों रहा। और भी बहुत से मुल्क आज़ाद हुए अंग्रेज के जाने के बाद, फ्रांसीसियों के जाने के बाद, उन्होंने इतने ज्यादा बुहरान नहीं देखे जितने पाकिस्तान ने देखे। पाकिस्तान पे एक ही मुल्क है जो दो लख्त हो गया, उसका एक पूरा हिस्सा जो है वो उससे चला गया, जिसमें उस मुल्क की आबादी की अक्सरियत थी। आज तक कभी अक्सरियत अलग नहीं हुई, हमेशा अकलियत अलग होने की बात करती है। यहाँ अक्सरियत ने कहा हम छोड़ के जा रहे हैं, हम अलग मुल्क बना रहे हैं। तो ये हुआ क्या? तो जो बुनियादी चीज मुझे समझ में आई कि इसमें से बहुत सारी कमजोरियां और खामियां जो हैं वो असल में जब
बुनियाद रखी जा रही थी उस वक्त वो खामियां पैदा हो गई और उनको कवर अप किया गया बजाय इसके कि उनको ठीक किया जाता। तो बहुत सारी कमजोरियों में से पहली कमजोरी तो ये थी कि पाकिस्तान जब तकसीम हुआ बरसगीर तो पाकिस्तान के हिस्से में 19% आबादी आई बरसगीर की, 17% वसाइल आए, 17% रिसोर्सेज, 19% पॉपुलेशन, लेकिन 33% फौज आई, क्योंकि अंग्रेज ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की थी दूसरी जंग अजीम के लिए। अभी वो उसको डिमोबिलाइज कर नहीं सका था कि वो जाने वाला हुआ, तो उसने वो जो उसका मुसलमान हिस्सा था वो सारा पाकिस्तान को दिया और उसमें बड़ी रिक्रूटमेंट जो उसकी थी अक्सरियत की वो हुई थी, क्योंकि अंग्रेज ये समझता था कि बाज कौमें जो हैं वो मार्शल रेसेस हैं और बाज कौमें मार्शल रेसेस नहीं, और मार्शल रेसेस में भी वो तकसीम करता था कि कौन है कि जो ताबेदार मार्शल रेसेस हैं और कौन है जो गैर ताबेदार मार्शल रेसेस हैं। तो पश्तूनों को कहता था कि ये लड़ते हैं अच्छा लड़ते हैं लेकिन ये हमारे खिलाफ लड़ने को तैयार रहते हैं, हमारी बात नहीं मानते, ताबेदार नहीं है। और पंजाब के इलाके जो थे ये खासतौर पे पोठोहार के इलाके, इसके लोगों को वो अच्छा समझता था और उसने रिक्रूट किया था। तो पाकिस्तान के हिस्से में फौज बहुत बड़ी आ गई। तो पाकिस्तान और मुल्कों की तरह नहीं है कि जहां पे एक खतरा होता है और उस खतरे से निमटने के लिए फौज खड़ी की जाती है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको फौज पहले मिली और फिर उस फौज के कद और कामत के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने लिए खतरात पैदा करने शुरू किए और एक इनसिक्योर रियासत हमने पैदा कर दी, गैर महफूज रियासत। तो जब रियासत गैर महफूज होती है तो वो अपने आप को महफूज करने के लिए अपने लोगों को गैर महफूज बना देती है। और ये जो पूरा का पूरा पश्तून इलाका है इसका जो क्राइसिस है ये असल में शुरू होता है 1946 में, कि जब वोटिंग हुई इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग पश्तूनख्वा इलाके से भारी अक्सरियत से नहीं जीत सकी तकसीम के मौके के सवाल के ऊपर। बादशाह खान वगैरह ने कहा कि नहीं तकसीम नहीं होनी चाहिए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा तकसीम हो गई है, हम इस पाकिस्तान के शहरी बनना चाहते हैं लेकिन हमें बराबर का शहरी बना, वो एक अलग बात थी। लेकिन उससे एक नफ्सियाती तौर के ऊपर हमारी जो क्यादत थी और खासतौर पर अस्करी क्यादत, उसको ये हो गया कि ये जो पश्तून इलाका है ये गैर महफूज है। फिर आपको याद होगा अफगानिस्तान में भी क्यादत ऐसी थी जो पश्तूनिस्तान की बात करती थी, तो इन्होंने दो किस्म की गैर महफूज नुकताहाय नज़र पाकिस्तान में मशहूर किए। एक ये कि पाकिस्तान जो है उसको इंडिया खा जाना चाहता है और कश्मीर जब तक पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पाकिस्तान महफूज नहीं होगा, और दूसरा ये इन्होंने नजरिया पैदा किया कि जो अफगान पश्तून हैं वो पाकिस्तान के पश्तूनों को साथ मिलाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब रूसी आ गए अफगानिस्तान में तो उससे पहले ही पाकिस्तान ने ये नुस्खा बना लिया था कि अगर हम अफगानिस्तान के पश्तूनों को और पाकिस्तान के पश्तूनों को इस्लामाइज कर लें तो इस्लामी जज्बे के तहत इनको हम रावलपिंडी से कंट्रोल कर सकते हैं बजाय इसके कि ये पश्तूनों का दिल काबुल से जीते। इस नुक्ते नजर के तहत ये सारा जिहाद शुरू हुआ था और जिहाद अमेरिकनों के आने से पहले शुरू हो चुका था। तो ये गुलबदीन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रबानी, ये पाकिस्तान पहले आ चुके थे और इनका काम शुरू करा दिया गया था। और बाद में अमेरिकनों ने कहा इसमें हमारा भी फायदा है, तो अमेरिका ने उसमें हज़्ब मामूल बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, अमेरिका के पास पैसा बहुत है, और ये सारा जिहाद वगैरह हो गया। उसके बाद से अमरीका और पाकिस्तान की ये कश्मकश शुरू हुई कि अफगानिस्तान को किसके हाथ में देना है। अमेरिका रूस को भगाने के लिए तो हिकमतयार का साथ देने को तैयार था, लेकिन रूस के जाने के बाद अफगानिस्तान हिकमतयार जैसों के हवाले करने को तैयार नहीं था। तो आपको सबको पता है कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान की खाना जंगी के अंदर हिकमतयार वगैरह की हिमायत की, जो इंतहा पसंद लोग थे उनकी मदद की, ये कहके कि ये पश्तूनों के जज्बात के तर्जुमान है। बाद में तालिबान की मदद की। तो जो पश्तूनों में सेकुलर एलिमेंट था या वो दीनदार एलिमेंट था जो कहता था, जैसे मौलवी नबी मोहम्मदी थे, कि भाई हम दीनदार हैं लेकिन हम ये जोर डंडे के जोर के ऊपर दीन नहीं लाएंगे, अपनी तबलीग से दीनदारी से लेके आएंगे, ये दोनों अनासिर जो थे ये पाकिस्तानी रियासत के आलेकार नहीं थे। आलेकार बनने को ज्यादा वो तैयार थे कि जो एक मखसूस किस्म का इस्लामी निज़ाम जिसको वो कहते हैं वो नाफिज करना चाहते थे, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो जमा हिजब इस्लामी हो गुलबदीन हिकमतयार की, चाहे और इस तरीके दूसरे अनासिर हो। इस पूरी कोशिश के अंदर हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि जो इलाका पश्तूनों की अक्सरियत का इलाका है, जिसमें पाकिस्तान का पश्तूनख्वा सूबा है, बलूचिस्तान का शुमाली इलाका है जो पश्तूनख्वा से मिलता है, और अफगानिस्तान का वो इलाका जो पाकिस्तान से सरहद जिसकी मिलती है, मशरकी अफगानिस्तान, जनूबी अफगानिस्तान, ये पूरा इलाका, अब आप समझिए कि 1979 से जंग में झुका हुआ है।
जब आप जंग इतने तवील अरसे तक कराओगे तो एक तो ये होगा कि एक पूरी कई एक दो जनरेशन जो है वो जंग से मुतासर निकलेंगी, दूसरा ये होगा कि हर किस्म के कॉन्फ्लिक्ट जिनको आप और मैं पढ़ अपनी स्कॉलरली लैंग्वेज में कहते हैं इंटरेस्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो क्रिएट हो जाएंगे, इंट्रेंच्ड इंटरेस्ट्स, और उसके अंदर अवाम जो है उस इलाके के वो रुल जाएंगे। अच्छा, पश्तूनों का फिर ये हुआ कि पश्तूनों ने बहुत सालों ने कराची की तरफ हिजरत की और तरफ आए कि भाई हम यहाँ शायद महफूज हो जाएं, वहां पे भी उनके लिए एक अदम तहफ्फुज़ की फजा पैदा हो गई क्योंकि वहां एक तो ये कि वो उस इलाके के नहीं थे, अपने इलाके में तो वो चलो कम अज कम एक कबीला दूसरे कबीले के पास चला जाए तो उनका आपस में एक रिश्ता तो है, जबान का रिश्ता है, कल्चर का रिश्ता है, आप दूसरे इलाकों में जाओगे तो वहां पे भी आपके लिए मुश्किल। उसी माहौल के अंदर हमने ये देखा कि कराची में जो पश्तून क्यादत कोई नेशनलिस्ट किस्म की हुई या कोई आज़ाद ख्याल हुई उसको निशाना बनाना शुरू किया गया, लोगों को आपस में लसानी बुनियादों पर लड़वाना शुरू किया गया, और आखिरी जो एक कहते हैं जिसको लास्ट स्ट्रॉ, यानी वो मुहावरा है कि ऊंट के ऊपर जो आप लाते जाओ आखिर में एक कोई जर्रा ऐसा होता है जिससे वो तंग आ जाता है, वो ये हुआ कि जब ये नकीबुल्ला को कराची में इन्होंने शहीद किया, और एक ऐसे मासूम आदमी को कि जिसका का कोई ऐसा रोल नहीं था किसी मनसफी चीज में, और जिस आदमी ने ये किया उसको रियासत हीरो बनाना चाह रही थी और अभी भी बना रही है। उसके नतीजे में मेरा ये ख्याल है कि जो पिछले 20-30 सालों से पश्तूनों को तकसीम करके पश्तूनों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ग्रोहबंदियाँ करा के कुछ को खरीद के कुछ को दबा के कुछ को पैसा और वसाइल दे के लड़ा के ये सब जो कुछ हुआ था उससे मेरा ये ख्याल है कि एक किस्म का वो सारा उसके बारे में जो रद्द अमल था जो जज्बात थे वो सारे के सारे उबल कर अब सामने आ गए। तो जो पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट है वो दरअसल कोई रियासत को खत्म करने की मूवमेंट नहीं है, वो सरहदें बदलने की मूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो पश्तून हैं इनको वो सलामती और तहफ्फुज दो जिसके ये हकदार हैं, और इनको अपनी जो आपके ये पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट मुझे नजर आ रही है बतौर एक स्कॉलर के इतना दूर बैठकर। जी अब ये ऑलरेडी इन्होंने वो जो इनके पुराने हथकंडे हैं वो तो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, किसी को गिरफ्तार कर लिया इनके एक्टिविस्ट को, लेकिन ये लोगों ने एहतजाज किया तो वो फिर रिलीज कर दिया, अब ये जो पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू दबाव डाल रहे हैं, और जैसे कल मंजूर पश्तीन जो लीडर है इनके इन्होंने लाइव फेसबुक में कहा कि मुझे फोन करके कहते हैं कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर हम पश्तूनों को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो और उनको कहते हैं एक बात याद रहे कि ये जो पॉलिटिकल ऑफिसर का सिस्टम है, ये जो पूरा निजाम है कि जनाब ट्राइबल एरियाज जो हैं उनको देखें अफगान पश्तूनों के साथ डील करने के लिए अंग्रेज ने 3 सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्रिएट किए थे। एक तो ये कि ड्यूरेंड लाइन बनाई तो उसमें पश्तून 2 हिस्सों में तकसीम हुए, कुछ अफगानिस्तान में कुछ जो उस वक्त बरतानवी हिंद था उसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, फिर तीसरा हिस्सा पश्तूनों का उन्होंने ब्रिटिश बलूचिस्तान उसको बना दिया, हालांकि पश्तून इलाका था उसको बलूचिस्तान कहने की क्या जरूरत थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये काम किया कि उसमें भी उन्होंने सेटल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया की तकसीम की, तो हमेशा फार्मूला था पश्तूनों को तकसीम करने का, और वो फार्मूला ही हमारी रियासत का फार्मूला रहा। क्योंकि एक बात मैं आपसे कहूंगा कि पाकिस्तानी रियासत के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि अगरचे पाकिस्तान हमारा एक आजाद मुल्क है और हम बहुत सारे लोग उसके शहरी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की रियासत का हुक्मरानी का फार्मूला है वो एक आजाद रियासत का हुक्मरानी का फार्मूला नहीं है, वो अंग्रेज की हुक्मरानी का फार्मूला ही है। जो पुरानी उनकी लिखी हुई चीजें हैं उन्हीं के ऊपर ये अमल दरामद करते रहते हैं, और आप अगर इनकी तहरीरें पढ़ें चाहे वो जनरल असलम बेग ने लिखी हों चाहे वो जनरल हमीद गुल ने इरशादात फरमाए हों, उनके अंदर मैं आपको बिठा के दिखा सकता हूँ कि उनमें से कौन कौन से जुमले जो हैं वो फ्रेजर टाइटलर की किताब से आए हैं जो अंग्रेज था उसने लिखी थी, और उसने एक इनको पश्तूनों को जंगजू कहा था और कहा था इनको दबा के रखना जरूरी है वगैरह वगैरह। तो ये हथकंडे तो सारे इस्तेमाल होंगे, और ये क्योंकि इस रियासत का कैरेक्टर वही है,
लेकिन और उसके चार हिस्से होंगे। पहली बात तो ये कि डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कि जी ये गैर मुल्की ताकतों के ही वहाँ पे हो रहा है, हालांकि ये बच्चे हैं 20-20, 22-22 साल के, इनको क्या गैर मुल्की ताकतों ने इस्तेमाल कर लेना और इनमें से किसका ताल्लुक होगा गैर मुल्की ताकतों से। दूसरी बात ये होगी कि जी ये जो है ये मुल्क तोड़ने की साजिश है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने कोई नेशनलिस्ट डिमांड्स नहीं किए हैं, सिर्फ ह्यूमन राइट्स के डिमांड्स किए हैं, अपने सर्वाइवल के डिमांड्स किए हैं। तीसरी होगी कि लोगों को डराया धमकाया जाए, इंडिविजुअल्स को, उनको टारगेट किया जाए, उनको परेशान किया जाए। और चौथी चीज ये कि मीडिया नैरेटिव इनके खिलाफ बनाया जाए। तो आपने देखा कि इतने बड़े बड़े मुजाहरे हुए लेकिन वो पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं दिखाए गए। इसी वजह से आप जैसे जो पश्तून स्कॉलर हैं उनको ये फेसबुक लाइव यूज करना पड़ रहा है, वरना उसूलन तो आपको पाकिस्तानी टीवी पे मजाकरे में बुलाएं, कहें भाई फरताज आप इतनी बड़ी स्कॉलर हो पश्तून इलाके की, आप सब जानती हो, या मुझे कहें कि भाई आपने किताबें चार लिखी हैं, सारी पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियों में आपकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जरा आप भी अपना नुक्ते नजर बना दें। नहीं, वो बुलाएंगे उन्हीं चार लोगों को कि जो उनके खास एक नैरेटिव सरकारी किस्म का देने वाले हैं। तो ये चारों हथकंडे इस्तेमाल होंगे, धमकी भी इस्तेमाल होगी, कुछ लोगों को ब्राइब करने की कोशिश भी होगी, तकसीम करने की कोशिश भी होगी। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि पश्तूनों के पास ये मौका बहुत अरसे के बाद आया है कि वो अपनी तकदीर का खुद फैसला करें, कम से कम अपने हकूक की हद तक। सरहदें, रियासतें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना इंसान का अपना हक होता है। और पश्तून जो हैं उनकी अपनी एक तारीख है और हर पश्तून को जिंदा रहने का हक भी होना चाहिए, उनको खुशहाली पाने का हक भी होना चाहिए, और उनको इस दुनिया में जो हुकूक तस्लीम किए जाते हैं लोगों के पूरी दुनिया में वो उनको मिलने चाहिए। तो इसके अंदर आप जितनी भी ये करें कोशिशें, अगर पश्तूनों में फहम रहा, समझ रही कि ये इनकी बातों में ना आए। देखें मतलब मैं तो नौजवानी से जानता हूं बहुत सारे पश्तून नेशनलिस्ट जो हैं वो नमाज रोजे के पाबंद भी होते हैं, नेशनलिस्ट भी होते हैं। यानी बाचा खान जो है वो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडरों से ज्यादा इबादत गुजार आदमी थे, दीनदार आदमी थे। तो ये दीन को जब यूज किया जाता है तो लोगों में एक जज्बा तो पैदा कर दिया जाता है, लेकिन उसका ताल्लुक दीनदारी से नहीं होता, वो सिर्फ नारेबाजी से होता है। और अब भी अगर ये सब कोशिश की गई कि इनको मजहब के नाम पर तकसीम किया जाए पश्तूनों को, इनको रियासत के खौफ से डराया जाए, तो पश्तूनों का उससे भी ज्यादा नुकसान होगा जो इससे पहले हो चुका है। इसलिए मेरी उम्मीद यह है और दुआ यह है और ख्वाहिश यह है, तीनों चीजें, कि पश्तून इस बार इस गलतफहमी में ना पड़े और अपने हकूक की इस लड़ाई को, अपने तहफ्फुज की इस लड़ाई को बगैर कामयाबी से हमकिनार किए पीछे ना हटे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, इससे पहले कि मैं दोबारा हकानी साहब आपकी तरफ आऊं, मैं जाती हूँ मुजीब साहब के पास, और इसी तरह से मेरा सवाल है आपसे कि ये अभी जैसे हकानी साहब ने कह दिया ना कि ये मौका बहुत अरसे बाद आया है और ये इस मौके को जाया नहीं होना चाहिए, अनलेस कि हम जो हमारे बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो डिग्निटी है हमारी, वो हम रिस्टोर ना कर ले पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप हमारी जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी है, अगर आप उनका रवैया देखें, वो कुछ कुछ एम्बिगुअस सा है, कुछ ग्रे एरिया में है। एक तरफ वो सपोर्ट भी करते हैं और एक तरफ ये है कि वो कुछ इस किस्म के एक्शन भी ले रहे हैं कि पता नहीं चलता है कि ये पीटीएम के साथ है कि नहीं है। जो इनके वर्कर्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो तो सारे के सारे पीटीएम में हैं, लेकिन जो इनकी टॉप लीडरशिप है वो कुछ ग्रे एरिया में नजर आ रही है। क्या उनको खतरा महसूस हो रहा है, क्या उनके साथ मसला है, कि क्या हम करें कि ये जो पश्तून नेशनलिस्ट है ये उनके साथ आ जाए? फिर वो जो दूसरा मजहबी तबका है वो तो वैसे ही आर्मी के प्रॉक्सीज है, जमात इस्लामी है या जमीयत उलमाए इस्लाम है, पीटीआई है, वो भी प्रॉक्सी है आर्मी के, लेकिन पीटीआई के यंग लोग वो भी पीटीएम में हैं। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, किस तरह हम इंश्योर करें कि ये मौका हाथ से ना जाए? मुजीब साहब, फरद साहिबा और हुसैन हकानी साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से बैकग्राउंड, बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बयान किया इसका, और बाद में तजवीज भी दी। इनकी भी हम शुक्र गुजार हैं कि ये मतलब पश्तूनों के नैरेटिव को समझते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत असासा है हमारे लिए और बहुत मतलब शुक्रिया इनका अदा करना चाहिए सारे पश्तूनों का, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि पश्तून इलाकों से ताल्लुक नहीं रखते मगर फिर भी
इनके मसलों को समझते हैं। आपके सवाल के जवाब में, शुरू में जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, इस्लामाबाद सिट इन जब शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक बराबर सियासी स्पेशली जो नेशनलिस्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनपे हमारी मतलब पर्सनल गुफ्तगू में उनके साथ प्रेशर रहा था शुरू से कि आप एज पार्टी इसमें शिरकत ना करें। फिर जब ये 2-3 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर इनको समझ आ गई कि अब इनको, ये तो नौजवान हैं, खुद से फैसले कर रहे हैं, कोई मतलब सीनियर लोग इनके पास भेजने चाहिए ताकि या तो ये मूवमेंट हाईजैक कर लें और या इनको अपने तरीके से समझाएं। फिर इन्होंने इमरान खान से शुरू करके, फिर इस्फंदियार वली खान साहब भी गए, महमूद खान साहब भी गए, उधर आफ्ताब शेरपा साहब भी गए, मौलाना फजल रहमान साहब भी गए, और सब ने उधर इनको एतमाद में लेने की कोशिश की, मगर शुक्र है कि ये किसी की भी बातों में नहीं आए। फिर इनका जिस तरह हकानी साहब ने कहा मीडिया ब्लैकआउट करके ताकि इनको, इनके हौसलों को पस्त किया जा सके, वो भी ना हुआ थैंक्स टू सोशल मीडिया के उसके जरिए से ये पैगाम पहुंच गया। अभी आजकल ये जो मोहसिन दावड़ को इन्होंने नेशनल जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, पख्तून नेशनल एएनपी का यूथ विंग है, उनकी मरकजी कयादत से हटाना, इस बात का मतलब उनके पास जवाब ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं उनके जो सीनियर लीडरशिप हैं कि हुआ क्या है, वो यही जवाब दे रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, हम जवाब दे देंगे, और बिल्कुल इनके पास कोई ना जवाज है उनको हटाने का। ये बात कर रहे हैं कि ये इनको स्पेस नहीं लेना चाहिए, मतलब, और ये वायलेंस नहीं, इन्होंने तो कभी वायलेंस नहीं की। ये इस्लामाबाद धरने से लेकर आज दिन तक कोई मुझे एक वाक्य बता दें कि इन्होंने कोई छोटी सी कंकरी भी किसी के ऊपर फेंकी हो या उठाई हो या किसी को गाली दी हो, जिस तरह कल्चर बना हुआ है आजकल पाकिस्तान में। आपको लगता है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं, नेशनलिस्ट जो है हमारे? ये अभी इकट्ठे हैं, परसों जो पिशावर में, पिशावर के जलसे के लिए जो इज्तिमा हुआ है बागे नारान में, उसमें ज्यादातर लोग जो थे वही ये एएनपी के थे, वो नहीं मानते अपने लीडरशिप के इस रवैये को, और उनकी लीडरशिप को ये तस्लीम करना होगा कि इनका साथ दिए बगैर इनका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है इस सूबे में, और इस पूरे मुल्क में तो इनका कोई मुस्तकबिल है ही नहीं शुरू से, तो सूबे में जो कुछ रहा, जो थोड़ा बहुत है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, शुक्रिया। हकानी साहब, आप जब एम्बेसडर थे पाकिस्तान के यूएस में, और ये वही टाइम था जबकि ये 9/11, बहुत 9/11 के बाद की जो सिचुएशन थी, और फाटा के बारे में कहते थे हमारे इलाकों में कि उसामा बिन लादन भी इधर है, और बहुत सारी वो जो स्टोरी है जो, तो अमेरिकन जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होता था, क्या वो बाय करते थे ये हमारे जनरल्स का ये नैरेटिव जो पश्तूनों के बारे में बनाया बनाया हुआ है? क्या आपके क्या इनसाइट है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? देखें, पश्तूनों के बारे में जो नैरेटिव है तो बड़ा पुराना है, अंग्रेज से शुरू होता है, लाफकारों का भी यही नैरेटिव है और औरों का भी यही नैरेटिव है। ये एक लंबा लंबी कहानी है पश्तून नैरेटिव की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग के नुक्ते नज़र से हर चीज़ को देख रहे थे, तो उनका ख्याल था कि अगर पाकिस्तान उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो कर दे। लेकिन जब उसामा बिन लादेन एबटाबाद से ही निकल आया तो उसके बाद, और फिर बाद में पता चला कि मुल्ला उमर जो है उसकी मौत कराची में हुई, और 2 साल तक उसको छुपाए रखा गया मौत को। फिर जो मुल्ला अख्तर मंसूर है वो बलूचिस्तान से में मिल गया और उसको वहाँ ड्रोन से मार दिया गया। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो नैरेटिव है उसको बाय करने वालों की तादाद बहुत कम रह गई है। दुनिया में देखिए, हर नैरेटिव को कोई ना कोई बाय कर ही लेता है, झूठ सच आप कोई कहानी सुनाए, कोई ना कोई आपकी कहानी सुनने के लिए मौजूद होगा, लेकिन जिनके पास इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं वो उनसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। और ये बात उनको समझ में आ चुकी है कि ये बात, ये ऐसा नहीं है कि पश्तून जो है वो इनहेरेंटली रेट्रोग्रेसिव है, या यानी वो तरक्की के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि पश्तून जो है वो जदीद जमाने का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कबाइल से ताल्लुक रखने वाले पश्तूनों ने भी अपने बच्चों को जब पढ़वा लिया है दूसरे इलाकों के अंदर,
भेज के यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़वा दी हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि तुम पढ़ के लिख के आ गए हो तो अब तुम हमारे बच्चे नहीं रहे, उन्होंने बल्कि कहा ये तो इल्म है, ये हमें और अपना यहाँ बढ़ाना चाहिए। ये तो रियासत का फैसला था कि कबायलियों को एक मखसूस तरीके के साथ रखा जाए। और पश्तून अपनी रवायात भी रखना चाहते हैं, हर एक रखना चाहता है, सिंधी भी रखना चाहते हैं, बलोच भी रखना चाहते हैं, पंजाबियों को भी हक है अपनी रवायात रखें। लेकिन अपनी रवायात रखते हुए जदीद दौर का हिस्सा भी रहें, पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट भी करें। आप भी पश्तून हैं माशाल्लाह, लेकिन आप नॉर्वे में पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, उससे आपका पश्तून होना भी कम नहीं हो गया। तो ये जो नैरेटिव साजी है कि नहीं जी नहीं, ये पश्तूनों की अपनी ख्वाहिश है कि वो एक पुराने तरीके की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मॉडर्न लाइफ के खिलाफ हैं, जमहूरियत के खिलाफ हैं, उनका जो तसव्वुर इस्लाम है वो एक मखसूस कबायली तसव्वुर इस्लाम है। ये वो कहानी है जो हमारी रियासत ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है, और दुनिया में कुछ लोग अगर उसको मानते भी हैं तो उस हद तक ही मानते हैं जब तक वो इग्नोरेंट होते हैं। जब उनको आप जैसे लोग आके बता देते हैं कि नहीं पश्तूनों के अंदर ये सब नहीं है, पश्तूनों में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जदीद तरीन साइंसदान भी हैं, अपनी रवायात पर भी अमल करते हैं और उसके साथ साथ अपने मजहब पर भी कायम है, और ना मजहब ना रिवायत जिद्दत पसंदी की दुश्मन है और ना जिद्दत पसंदी मजहब और रिवायत से उनको लड़ाएगा, और तीनों में से कोई चीज भी पश्तूनों की पश्तून जो उनका तशख्स है उसको खत्म करने के लिए काफी नहीं है। जी कानी साहब, आपकी तस्वीर नहीं है, आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है, तस्वीर आपकी नहीं आ रही है, तो मैं ये औरंगजेब को कहती हूँ कि इसको देख ले। लेकिन इस दौरान मुजीब साहब, अगर आप के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मुजीब साहब जो है वो जर्नलिस्ट हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि वो भी आपसे क्वेश्चन करें। जरूर, मुजीब और चंद मिनट में मैं फिर आपसे इजाजत भी चाहूंगा इसके बाद। जी, जी मुजीब भाई, या हकानी साहब, ये मतलब पाकिस्तान में आपके ऊपर भी मुकदमा चल रहे हैं, जो आपको मतलब सही तरह से अंदाजा होगा कि रियासत जो लोग पाकिस्तान में मतलब मैं कहूंगा कि फौज के नैरेटिव के साथ जो लोग मतलब 100% एग्री नहीं कर रहे। अगर आप 90% एग्री कर रहे हैं और 10% पे आप सवाल उठाते हैं तो आप के पीछे वो डंडा उठा लेते हैं, और फिर अदलिया भी मिला हुआ है फिर आप जितना तो परसेंट सवाल उठाते हैं उतना परसेंट डंडा होता है। तो हम जैसा सिंपल जो 100% उनके नैरेटिव के से इख्तलाफ करता है उसके ऊपर 100% डंडा। अच्छा, तो ये आप क्या देखते हैं, मतलब कितना ये मतलब स्ट्रेच करेंगे और लोगों के पेशेंस को कितना, मतलब आप देखिए पंजाब के लोग भी, मतलब पंजाब आजकल एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, मतलब नवाज शरीफ के लोग, उधर बलूचिस्तान में इनको मसला पड़ा है, पश्तूनों को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये आगे जाके ये मतलब अभी तो आइन के अंदर हकूक की बात कर रहे हैं, शायद इनको इस तरह अगर ट्रीट करते रहें ये लोग तो शायद ये आइन से मावरा कोई बात करें, आजादी मांगे, जिस तरह के जलसों में आपने देखा होगा लोग, ये तो इनकी लीडरशिप है जो उनको खामोश किए रखे हैं, मगर लोग तो उनकी जबान पे तो बात आ गई है। तो आप क्या देखते हैं, क्या हासिल होगा पाकिस्तान को इन सब लोगों को देखें, इनकी प्रोटेस्ट करने में? लोगों को इकट्ठा रखने का सबसे अच्छा नुस्खा लोगों को उनकी ख्वाहिश, मर्जी और मोहब्बत के साथ इकट्ठा रखना होता है। हर वो रियासत जिसने जबर के जरिए अपना कोई एक नैरेटिव मनवाने की कोशिश की है और अपनी अपना तशख्स जबर के जरिए बनवाया है, वो उसको बिलाखिर तारीख में नुकसान पहुंचा है। सोवियत यूनियन की ताकत से ज्यादा पाकिस्तानी रियासत की ताकत नहीं है, लेकिन सोवियत यूनियन जो है वो सबको से अपनी मर्जी, और आपको पता नहीं याद है या नहीं है, तारीख अगर आप पढ़ें तो जो कुछ स्टालिन ने किया है एक कौम बनाने के लिए जबरदस्ती, उस किस्म की तो अभी पाकिस्तान में शुक्र है कि नहीं हुई है उतनी, के लोगों को लाखों की तादाद में एक इलाके से उठाकर दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दिया के बस ताकि लोग अपनी जमीन पर ना रहें और उनका उसके साथ ताल्लुक पैदा ना हो, और सबको ये कहा कि हम जो हैं वो हम एक सोवियत सिटीजन हैं, सोवियत आइडेंटिटी हमारी, ठीक है तुम्हारी थोड़ी बहुत जबान वबान रखना चाहते हो रखो, लेकिन सब रूसी बोलेंगे, सब ही होगा। और वो भी 1917 से शुरू हुआ और फिर हमें पता है कि 1991 तक आते आते वो काम जारी नहीं रह सका।
ये जब तक रहता है तब तक रहता है, यूगोस्लाविया में भी इसी तरह की कोशिश हुई, जब तक रहता है तब तक रहता है, वरना लोग रिजेंट करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के केस में इस बात का मौका मौजूद है कि सबको मिला जुला कर, सबसे बात करके, मफाहमत के साथ एक हकीकी फेडरेशन चलाई जाए। और अगर वो चलाने की कोशिश की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये कहेगा कि भाई हमारे हमें अपने अपने डेढ़ डेढ़ ईंट की अलग मस्जिद बनानी है। अगर आप एक ऐसी मस्जिद बनाओ जिसमें सब नमाज पढ़ सकें तो कोई अलग क्यों होगा, कोई अलग कहानी क्यों कहेगा। ये रियासत को समझना है कि हम ये इस तरीके के साथ खेल नहीं चला सकेंगे, मगर रियासत आसानी से समझेगी नहीं। मसला इनको क्या है, क्या मुश्किल है इसको, मतलब इनको समझने में मुश्किल है, इनका जो फहम है वो बड़ा लिमिटेड है। देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ रियासत की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सबसे अच्छे और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में नहीं है, वो अस्करी लोगों के हाथ में है। देखें, फौजी क्योंकि एक मखसूस तरबियत होती है, मेरे खानदान में भी लोग हैं जो फौज में रहे हैं। अब फौजी अफसर क्या होता है, इंटर करता है, ISSB करता है, उसके बाद वो मिलिट्री एकेडमी में चला जाता है। मिलिट्री एकेडमी में उसको कोई पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ाई जाती, उसको सोशियोलॉजी तो नहीं पढ़ाई जाती, उसको मिलिट्री साइंस पढ़ाई जाती है। उसमें उसको एक BSc दे दिया जाता है, फिर वो अफसर बन जाता है, फिर वो उसके बाद जाता है स्टाफ कॉलेज, वहां से वो कर्नल बन जाता है, वहां पे भी उसको ये मिलिट्री साइंस, एक ही चीज पढ़ाई जाती है ना। दुनिया में जिन चीजों की जरूरत है, मुल्कों को, कौमों को, रियासतों को जरूरत है ऐसे लोगों की जिनको माशियात आती हो, जिनको बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात आते हो, जिनको नफ्सियात आती हो, जिनको इज्तमाई नफ्सियात आती हो, जिनको पॉलिटिकल साइंस आती हो, हिस्ट्री आती हो। तो अब अगर आप एक मखसूस चीज की मालूमात, बिल्कुल ऐसा है जैसे इंजीनियर जो है वो, यानी सिविल इंजीनियर, वो इमारत बनानी जानता है, लेकिन आप उसको ही ये जॉब भी दे दें कि वो इमारत की मार्केटिंग भी करेगा, तो उसको तो मार्केटिंग नहीं आती, मार्केटिंग का आदमी अलग होता है, फिर मेंटेनेंस का आदमी अलग होता है। तो पाकिस्तान का जो असल अलमिया है वो ये है कि अय्यूब खान के बाद से उन्होंने, पाकिस्तानी फौज ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि क्योंकि पाक फौज सबसे ज्यादा मुहब वतन इदारा है, इसलिए लोगों की राय बनाने से लेकर अदालतों के फैसले कराने तक सब काम उनका। मैं, आपने मेरे मुकदमों का जिक्र किया, मेरे मुकदमों का हाल ये कि ये 10 मुकदमे दर्ज कर लें, इनके किसी वारंट के ऊपर मैं आपको जमानत देता हूं कि पाकिस्तान से बाहर कहीं अमल दरामद नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा कि ये बुनियादी कानूनी तकाजे जो दुनिया के हैं वो ये पूरे नहीं कर पाते, मगर अपनी सोच से हट भी नहीं पाते। बेनजीर भुट्टो साहिबा को इन्होंने 1997 में, वो पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर हुई, 2007 में वापस आए, 10 साल, 10 साल में क्या ये उनके खिलाफ कोई केस पाकिस्तान से बाहर फैसला करा सके, क्या उनको ये उनके खिलाफ कोई वारंट जारी करवा सके। बस ये अपने यहाँ ही शोर मचवा के खुश हो जाते हैं, और हर बार नया एक बेचारा मेजर आता है, एक कर्नल आता है, वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है और ये ऐसे ही होगा, और फिर उसका एक ब्रिगेडियर होता है और फिर उसका एक जनरल होता है जो कहता है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल कर डालो। ये कानून समझने के लिए आपको कानूनदान चाहिए। अब बदकिस्मती ये हो गई कि क्योंकि इनकी डोमिनेशन इतनी है तो पाकिस्तान में बाज साफी भी पैदा हो गए जो इनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, बाज वकील भी पैदा हो गए जो इनसे हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इसी तरह हमारी जिंदगी आगे बेहतर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कोई इनको ये समझाते नहीं, जो आप और मैं समझाते हैं इनको कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये दुनिया में इस तरह नहीं होता। यानी एक बैल को और गधे को साथ मिलाने से ऊंटनी आप पैदा कर सकते, ये काम नहीं, इस तरह से नहीं होता। दुनिया की हर चीज की अपनी एक साइंस है, अपना एक इल्म है, उसकी जरूरत है। वो ये सुनना नहीं चाहते, गुस्से में आ जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि खुद हमारे रियासत के जो सतून हैं उनको ये समझ में आना शुरू होगा। अभी नहीं आ रहा, आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि ये इस तरह से नहीं होता, दुनिया में और भी फेडरेशनें हैं, वो कैसे चलती हैं उनसे सीखो। अमेरिका की इमदाद जितनी पाकिस्तान को मिली है उससे कहीं कम इमदाद जनूबी कोरिया को मिली, लेकिन जनूबी कोरिया की मईशत को देखो कहां से कहां पहुंच गई। तो कोई तो उन्होंने, देखे ना, मैं एक बीज आपको दूं, एक फरद को दूं, और डॉक्टर फरद ताज साहिबा को कहूं कि आप भी ये बीज बोएं और आपको भी दूं कि आप भी ये बीज बोएं, उनका बोया हुआ बीज जो है उससे एक दरख्त निकला है और आपके बोए हुए बीज में से पौधा भी ना पैदा हो, वो वहीं के वहीं मर जाए। तो सोचना चाहिए ना, साइंसी तरीका तो ये कि ये मालूम करो कि इसका बीज जो है इससे वो दरख्त कैसे बन गया और इसके बीज से पौधा क्यों नहीं खड़ा हुआ, होना चाहिए ना। हमारे यहाँ ये नहीं करते,
ये अपने ही बात के ऊपर अड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, वही काम बार बार करते रहते हैं। हर थोड़े अरसे के बाद सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद पॉलिटिकल पार्टियां बनवाते हैं, बदलवाते हैं उनको, हुकूमतों को बदलवाते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद जजों के ऊपर दबाव डाल के फैसले कराते हैं, हर थोड़े के अरसे के बाद मीडिया के जरिए कुछ कराए। अयूब खान के जमाने में प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड होता था, पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज और लैलो नहार, उसको इन्होंने नेशनलाइज किया अयूब खान की हुकूमत ने, सोचा बस अब मीडिया हमारे काबू में आ गया। जियाउल हक के जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो जो थे वो पूरे कब्जे में थे, इस्तेमाल होते थे, वगैरह वगैरह। मुशर्रफ साहब ने ये किया, नहीं ज्यादा चैनल कर दो, लेकिन ज्यादा चैनल करो और उनके जरिए कंट्रोल करो कौम की राय, लेकिन बात तो नहीं बदली ना कोई तरीका। और फिर ये हर एक को ये समझते हैं ये भारत का एजेंट होगा, ये जैसे हम में तो किसी के पास, या अफगानिस्तान का एजेंट है या अमेरिका के, हमारे पास कोई अकल नहीं है। पाकिस्तानी फौज से इख्तलाफ करने के लिए अगर कोई और मुल्क ना आपको कुछ सिखाए ना कुछ पढ़ाए, तो आपके पास अपनी अकल नहीं है जिससे आप पाकिस्तानी फौज के नैरेटिव से इख्तलाफ कर सकते हैं। तो ये वो बातें हैं कि जो इन्होंने अपने आप को गलतियों में और गलत फहमियों में मुबतला किया हुआ है, और उन गलतियों और गलत फहमियों का नतीजा अच्छा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की आप मईशत का हाल देखें, पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी साख का हाल देखें। मगर मेरा ये ख्याल है कि या ये गाड़ी जब रुकेगी तो फिर कोई इसको ठीक करने की कोशिश होगी सही तरह, जिसमें आपका हमारा शायद दखल ज़्यादा हो जाए आवाम का, और एक इम्कान ये है कि ये खुद सीख जाएं, और वरना फिर जो तारीख में होता आया है वो होना होगा, क्या किया जा सकता। हकानी साहब, जैसा कि आपने कहा कि आप अभी जा रहे हैं, हमारे पास कमेंट्स बहुत ज्यादा है, लोग चाहते हैं कि आप रहें, लेकिन जाहिर है कि हमें आपकी बात का एहतराम करना। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, मैं एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगा, आज तो बड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई आपको और हमको कनेक्ट करने में, अगली बार इंशाल्लाह आसानी के साथ होगा, तो एक डेढ़ घंटा बैठ के लोगों से खुल के बात करेंगे। लेकिन प्लीज जाने से पहले छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो जरा आप बताएं, और फिर आप बिल्कुल तशरीफ ले जाए। एक तो ये है कि अगर नहीं मानी हमारी ये स्टेट, ये जो डिमांड कर रही है पश्तून तहफ़ मूवमेंट, तो इसका रिजल्ट फिर इस कॉन्सिक्वेंसेज आप क्या देख रहे हैं, वन। दूसरा ये है कि जो हमारे यंग लीडर है मंजूर पश्तीन, आप उनके लिए या उनका जो कोर ग्रुप है लोगों का, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और थर्ड ये कि जो हमारी नेशनलिस्ट पार्टीज की जो लीडर है, उनके यंग लोग तो सारे मंजूर के साथ है, लेकिन जो टॉप की लीडर है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, बेस्ड अपॉन योर वास्ट एक्सपीरियंस, आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके बेस पे, ये तीन सवालों के जवाब दे दें प्लीज। जी, मैं शुरू करता हूँ नेशनलिस्ट पार्टी से, उल्टे ऑर्डर में चलते हैं। नेशनलिस्ट पार्टीज को मेरा मशवरा ये है कि वो इस बात को समझ लें कि नेशनलिज्म एक सेंटिमेंट होता है, एक जज्बा होता है, और अगर वो उसको उसकी बुनियाद के ऊपर सिर्फ अपनी क़यादत को बचाने के लिए और अपने लिए कुछ रियायतें हासिल करने के लिए ही काम करते रहेंगे, तो बिलाखिर उनकी जगह कोई और ले लेगा। ऐसा बहुत सी जगहों के ऊपर हुआ है। बहुत सारे बंगाली लीडर थे जो 1950s में और 60s में बड़े नुमायाँ रहे, और उन्होंने सिर्फ अपने लिए और अपने ख़ानदानों के लिए और अपनी करीबी दोस्तों के लिए मकामात हासिल किए, हैसियतें हासिल की, अब तारीख में उनका कोई नाम भी नहीं जानता। और मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी थे, आखिर में जब वक्त आया तो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का के साथ मिलके मुजीबुर्रहमान को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन मुजीबुर्रहमान जो हैं वो उस वक्त नीचे से आकर और अवामी लीग के बहुत बड़े लीडर बन गए और बहुत मकबूल हो गए। तो नेशनलिस्ट फोर्सेस को ये समझ लेना चाहिए, जो उनकी एस्टेब्लिश्ड पार्टीज हैं, कि अगर उनकी क़यादत एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पश्तून अवाम के और पश्तून नौजवानों के जज्बात को की तर्जुमानी करने में नाकाम हो गई, तो फिर बिलाखिर वो कोई हमेशा हमेशा, किसी को ठेका नहीं है कि वही वही पार्टियां हमेशा पश्तून नेशनलिज्म की जामिन रहेंगी जो पहले थीं, उनकी जगह कोई और भी ले सकता है। ये तो नेशनलिस्ट पार्टीज के लिए बात हो गई। मंजूर पश्तीन और उनके नौजवान साथियों के लिए मेरा मशवरा ये है कि बहुत एहतियात से कदम उठाएं, जज्बाती होकर ऐसा काम भी ना करें कि जिसके नतीजे में रियासत उनको बिल्कुल दबा दे। रियासत के मामले में बिल्कुल क्लैरिटी रखें कि हमारी रियासत से लड़ाई नहीं है, हमारा रियासत से इख्तलाफ है। ये मैं भी करता हूं, आपने पता ही नोट किया नहीं कि लोग कभी कभी कहते हैं जी मैं ना रियासत को गाली देता हूं ना रियासत के मुख्तलिफ अज्जा को, मैं कहता हूं ये फौज पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तानी जब तक हर पाकिस्तानी शहरी जो है उसकी फौज की इज्जत करना चाहता है,
फौज का काम है कि अपनी इज्जत इस तरह कराए कि वो काम करे जिसके लिए वो है, ना कि उन कामों में दखल दे जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर फौज सरहदों की हिफाजत करे तो हम उससे मोहब्बत करेंगे, और अगर फौज जो है वो हमारे शहरों के अंदर और हमारे गांवों में और हमारे कबायली इलाकों में लोगों के ऊपर इकदाम करेगी तो हम उससे इख्तलाफ करेंगे और ये हमारा हक है। तो मंजूर पश्तीन और उनके साथियों को भी बहुत एहतियात के साथ चलना चाहिए। और ये नौजवान माशाल्लाह बड़े, मैं कहूँगा कि मैं इनसे बड़ा मुतासर हूँ, ये बहुत समझदारी की बातें अब तक कर रहे हैं, लेकिन खुदा करे कि ये इसी तरह समझदार रहें, क्योंकि ऐसी तहरीकों के अंदर एडवेंचरिज्म करने से नुकसान बहुत जल्दी होता है। तो कोई एडवेंचरिज्म ना करें और बहुत समझदारी के साथ सोचें कि ये तवीलुल मियाद जिद्दोजहद है, कोई जिद्दोजहद। अगर किसी की ये गलत फहमी है कि हम 5 जुलूस निकालेंगे और 6ठे दिन सारे फैसले हमारे ही मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। सियासी तहरीकों को बड़ा वक्त लगता है, उसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहें, बुजुर्गों से मशवरा जरूर करें, लेकिन बुजुर्गों के कैदी भी बन के ना रहें, क्योंकि अगर बुजुर्ग हिम्मत नहीं दिखा रहे तो फिर उसका यह मतलब ही नहीं। और उनसे लड़ाई में वक्त जाया ना करें, अपना काम करें, अपने काम पर तवज्जो करें। अब पहला आपका जो था सवाल, तो आपने कहा कि मैं यानी ये था कि हैं रियासत पाकिस्तान का फिर क्या। अच्छा, रियासत पाकिस्तान को मेरा मशवरा यह है कि रियासत पाकिस्तान बिग पिक्चर देखें। देखिए, पाकिस्तान के बारे में अभी पिछले दिनों यूनिसेफ रिपोर्ट आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा नौजायदा बच्चे जिस मुल्क में मारे जाते हैं, मर जाते हैं, वो पाकिस्तान है। फिर एक और रिपोर्ट आई, उसके अंदर आया कि जी पाकिस्तान दुनिया में उन 5 मुल्कों में है जहां टीबी सबसे ज्यादा होती है। फिर एक और रिपोर्ट आई है कि जिसके अंदर टाइफॉइड का पाकिस्तान में ऐसा टाइफॉइड पाया जा रहा है जिसका दवाओं से भी इलाज नहीं हो सकता। ये तो हो गई सेहत की बात। आप तालीम की तरफ देखें तो पाकिस्तान की डिग्रियों को बाकी मुल्कों में वो मकाम हासिल नहीं है जो और मुल्कों की डिग्रियों को हासिल है। पाकिस्तान में दुनिया की आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी वो आबादी जिसको स्कूल में होना चाहिए अपनी उम्र के लिहाज से, 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र को स्कूल एज कहा जाता है। स्कूल एज के बच्चों की सबसे बड़ी तादाद जो स्कूल में नहीं है दुनिया में, जिन 2-3 मुल्कों में, उनमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर भी उस तरह से तेजी के साथ नहीं आगे बढ़ रहा। हमारी आबादी 2-2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। अगर 5% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो असल इकोनॉमिक ग्रोथ तो 2-2.5% ही हुई ना, क्योंकि 2-2.5% तो आबादी बढ़ गई, तो रियल ग्रोथ तो कम हो गई। अच्छा, उसके बाद तमाम गैर अस्करी जो मयार हैं उनमें पाकिस्तान पीछे होता चला जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया का वर्स्ट पासपोर्ट कहा जाता है कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनके पासपोर्टों के ऊपर आपको हर मुल्क के लिए वीजा लेना पड़ता है। मैं खुद पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफर करता हूँ, मुझे पता है कि कहीं पे भी जाने के लिए कितना, हर बार वीजा लगवाओ, हर बार अलग से जाके दरखास्त दो, फार्म करो। और मुल्कों के पासपोर्टों के ऊपर लोग बगैर वीजा ट्रेवल करते हैं, और एक जमाने में पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सफर किया करते थे। मुझे याद है कि मैं 18-19 साल की उम्र में पहली बार लंदन गया हूँ तो मुझे वीजा नहीं लेना पड़ा था, मैं बगैर वीजे के गया था। तो ये सब वो बातें हैं जिससे पाकिस्तान पीछे होता जा रहा है दुनिया की निगाह में। किताबें, पाकिस्तान में छपने वाली किताबों की तादाद जो है वो पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां बहुत कम किताबें नई लिखी जाती हैं। पर कैपिटा न्यूज़पेपर कंजप्शन के हफीकस, अखबार कितना पढ़ा जाता है, उसमें भी हम पीछे हैं। लिखने पढ़ने के मैदान में हम पीछे हैं दुनिया के अंदर। तो ये वो बातें हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए कि ये सब चीज़ें सिर्फ हमारी अस्करी ताकत अच्छी होने से ठीक नहीं हो जाएंगी। रियासत पे अगर नहीं मानी है, तो अगर रियासत ये नहीं मानेगी तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप और हम पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमियतों को इस बात पर आमादा करें कि वो इस रियासत के साथ बिलाखिर एक ऐसी कश्मकश में दाखिल हों कि जिसके नतीजे में या रियासत अपनी उस कुव्वत को गंवा बैठे जिस कुव्वत की बुनियाद पर वो हमारे सरों पर बैठी हुई है, और या फिर रियासत खुद तब्दील होने पर आमादा हो जाए। एक फाइनल कश्मकश की जरूरत है। बदकिस्मती से हमारा प्रॉब्लम यह हो गया है कि जो सियासत है वो पहले एक जमाना होता था कि सियासत होती थी आइडियाज की सियासत, ख्यालात की सियासत। नजरिए का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करा, ख्याल, कि भाई कोई कहता है कि जी हम जो है वो फला मकसद के लिए सियासत में है। अब बहुत सारे लोग सियासत में सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं, वो एक कारोबार बन गया है। तो उसकी वजह से रियासत को थोड़ी सी लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, क्योंकि सियासी पार्टियां इंक्लूडिंग नेशनलिस्ट पार्टीज वो उस तरह का स्टैंड नहीं लेती।
हर आदमी नैरेटिव के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर दे। मुझे 10 फोन आते हैं हर रोज दोस्तों के कि यार छोड़ो, क्या लड़ाई कर रहे हो, वापस आओ, तुम्हें को अच्छी पोजीशन देते हैं, को अच्छा वो देते हैं। मगर जिंदगी में कभी तो आदमी को ये सोचना होता है कि मेरी लेगेसी क्या होगी, मुझे लोग किस तरह याद करेंगे। अब मतलब ये कि किसी तो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे उन किताबों के हवाले से याद करें जो दुनिया की 80 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, जिनमें हर बात तहकीक से लिखी गई है। लोग ये इसकी कोई अहमियत नहीं है कि मैंने किस वजीर आजम की कब एडवाइजर की पोजीशन लिखी। पाकिस्तान में 100 एडवाइजर आते हैं और 100 जाते हैं। पाकिस्तान में 100 वजीर वजीर आते हैं, 100 जाते हैं, 100 सेनेटर बनते हैं और 100 जाते हैं। कुछ सेनेट की सीटें खरीद के कई साल तक रहते हैं लेकिन उनका नाम भी किसी को याद नहीं होता। मैं 4-5 नाम लूं अगर तो आप में से किसी को याद भी नहीं होगा कि ये भी कभी सेनेटर थे। तो सेनेटर और वजीर बनने का शौक छोड़ दें, हमने भी छोड़ दिया, और एक बार कुछ ख्यालात की पॉलिटिक्स करें कि इस रियासत को तब्दील कैसे करना है, इस रियासत को मजबूर कैसे करना है अपनी सोच बदलने पर, और अगर वो नहीं बदलती तो फिर रियासत के साथ किस तरह से निपटा जाए कि अवाम के हकूक का तहफ्फुज़ हो सके। क्योंकि आखिर में सबसे अहम चीज क्या है, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के तमाम लोग, चाहे वो सिंधी हों, बलोच हों, पश्तून हों, पंजाबी हों, सराइकी हों, उर्दू बोलने वाले महाजिर हों, या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, या आजाद कश्मीर के लोग हों। हकारी साहब, दिल तो बहुत चाहता है कि आपसे कंटिन्यू करें, और बहुत से क्वेश्चन और कमेंट्स भी है, लेकिन ये कि अब आपने जाना है, हम आपका एहतराम करते हैं आपकी ख्वाहिश का, लेकिन ये कि जाने से पहले आपको 2 बातें हम बताएं कि एक तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है और मेरे लिए खुद भी पश्तून टाइम्स के लिए ये एक ऑनर की बात है कि आप हमारे रिक्वेस्ट पे आए हैं और हमारे साथ आपने अपने ख्यालात शेयर किए हैं जिनको हम बहुत वैल्यू करते हैं, और दूसरी बात यह कि आपने बहुत आप बहुत पेशेंटली पेशेंस दिखाई है जब ये टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें हो रही थी। हम लोगों का अपना कोई मीडिया नहीं है और जिस तरह ये पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट वाले सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी मूवमेंट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसी तरह हम भी उन्हीं की हेल्प करते हुए और ये सोशल मीडिया से ही काम ले रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सी टेक्निकल मुश्किलात, और आप बहुत ज्यादा पेशेंट रहे हैं हमारे साथ, तो इसके लिए तो स्पेशल बहुत शुक्रिया। हाँ जी हकानी साहब तो अब चले गए हैं क्योंकि उन्होंने जाना था, लेकिन ये कि मैं और मुजीब रहमान हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सो मुजीब साहब, आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा कि 3 जो लास्ट उन्होंने बातें की है मंजूर के लिए, नेशनलिस्ट के लिए और रियासत के लिए, आपके उस पे थॉट्स क्या हैं? बहुत जबरदस्त बातें, और खुसूसन मंजूर पश्तीन और उनके साथियों को जिस तरह हकानी साहब ने कहा कि वो मतलब एहतियात से काम ले, और मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर लूंगा कि एहतियात के साथ साथ उनको साबित कदमी भी दिखानी है। मोहतात वो रहे हैं शुरू से, और मेरे ख्याल में अपनी जिंदगी का हक मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ वो नहीं मांग रहे। तो अगर इसको भी अगर मैं कहूँ मुझे मत मारो, और मैं आपको कहूँ मुझे मत मारो, तो मुझे कहो तुमने ये क्यों कहा, तुम तो मतलब ये तो रियासत के खिलाफ तुम बात कर रहे हो। यार मैं कह रहा हूँ मुझे मत मारो, ठीक है, ये अगर तुम इसको रियासत के खिलाफ ले रहे हो या आइन के खिलाफ ले रहे हो, जो भी है, जिंदगी मेरा बुनियादी हक है, ये कोई रियासत कोई आइन कुछ भी मुझसे ये हक नहीं छीन सकती। तो साबित कदमी दिखानी होगी इनको, मतलब अपने मुतालबात से हटना नहीं होगा, बल्कि इन मुतालबात की लिस्ट में और भी बातें अब ऐड होती रहेंगी, क्योंकि ये रियासत जो है ये अभी जिस तरह उर्दू अखबारों में कहते हैं बौखलाहट का शिकार है, तो ये वही बौखलाहट दिखा रहे हैं। कभी गिरफ्तारियां वज़ीरिस्तान में किसी को गिरफ्तार करके कि भाई इसने जलसा क्यों अरेंज करवाया, लोगों को दुकानदारों को 10-10 हज़ार रुपए मतलब जुर्माना कि झंडा अगर नहीं लगाओ तुम्हारे दुकान पे तो पाकिस्तान का, तो उसमें तो ये इस किस्म की बातें होती रहेंगी, मगर साबित कदमी बहुत जरूरी है। दूसरी उन्होंने जरूरी बात ये कि सियासत कारोबार बन चुका है, तो आपने मतलब
ये जो नेशनलिस्ट पार्टीज का जिक्र किया था सवाल में कि तो इनमें कुछ कारोबारी अनासिर हैं जो कि थोड़ा सा अगर अनरेस्ट हो इस एरिया में या तो उनको अपने कारोबार की पड़ जाती है, और अगर तो उनको देखा जाए तो उनके कारोबार शरीक हैं मतलब ऐसे लोगों के साथ जिनके हाथों में मुल्की भागदौड़ है। तो वो उनको समझाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई इस तरह ये करो वो करो, तो वो पार्टियों को उन्होंने हाईजैक किया हुआ। ये अब एनपी को ले लें, एनपी एज अ पार्टी कभी इस तहरीक से नेचुरली कभी दूर रह नहीं सकती नहीं बिल्कुल। मतलब ये तो इस तरह है जैसे लाजिम मलजूम एक दूसरे के लिए, ये तहरीक और ये पार्टी। तो अब ये कौन इसमें, वो उसमें चंद अनासिर हैं जो कि कारोबारी अनासिर हैं और जिनका ज्यादातर मकसद कारोबार करना है, सियासत नहीं। और सियासत भी इस किस्म की मतलब सियासत की वो सिर्फ और सिर्फ मतलब बातों की हद तक पूरी रहे, और बाकी तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा कर रहे हैं। इनको मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी इलेक्शंस में लोग इनको रिजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो दूसरी इनके जो अपोनेंट्स हैं वो खुल के इस बात को कैश करेंगे। तो आपकी तो जीत इसी में है कि आप इन लोगों के साथ मिल लें, इनका साथ दें और फिर लोगों के पास जाएं कि भाई आपके जो असल मसले हैं। अभी आपको तो बच्चों ने जबान दे दी है, आपके पास तो जबान नहीं थी, आप तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे अपनी जबान, बच्चों ने अपनी जान पे खेल के आपको जबान दे दी, तो आप उसको इस्तेमाल करें। तो स्टेटस को में ना रहें कि क्योंकि अभी तो आपको मतलब हौसला मिल गया है, अभी लोगों के पास जाएं। तो 18 में इलेक्शंस हैं, ये आप कहें कि भाई हम तो आप ही के मसाइल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और आप ही के मतलब जिंदगी की जो बुनियादी हकूक है उसकी हम आवाज उठा रहे हैं, तो हमें वोट दे दे। तो ये तो अपना मतलब फ्यूचर खुद तबाह कर रहे हैं। जी मुझे बताया गया है कि जुबैर साहब जो हैं जो कि अब जल्द ही डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर जुबैर हो जाएंगे, उनकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, वो आने वाले हैं। लेकिन इस दौरान जब और प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर है, लेकिन मैं आपसे शॉर्ट में मुझे ये बताएं जरा मुजीब साहब, ये जो हमारी रिलीजियस क्लास है जो पश्तूनों की, जो कि हमेशा से इस्तेमाल हुई है और वो बड़े खुशी खुशी इस्तेमाल हुए हैं, मतलब ये कि जिसको वो कहते हैं ना कि वो उनको वो ड्रैग नहीं किया है किसी ने, मजबूर नहीं थे, लेकिन ये कि बड़ी मर्जी से अपनी एजेंसी से बड़ी विलफुली वो उन्होंने इस्तेमाल हुए हैं, बल्कि पार्टनर रहे हैं। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं, आप ये अब किस तरफ जाएंगे, क्या ये खतरा है पीटीएम के लिए या नहीं? फिर मैं आती हूँ, आप इस पर कमेंट करें, देन मैं जुबैर के पास जाती हूँ। जुबैर साहब जुबैर को भी कहते हैं, और आपके सवाल के मतलब एक दो किस्म के वो मजहबी लोग हैं हमारे पश्तूनों में। एक है वो जो कि सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और सियासत करते हैं मजहब का नाम इस्तेमाल करके, जिस तरह के जमात इस्लामी हो गया, जमीयत उलमा इस्लाम हो गया, या इसमें हे फे काफ गाफ गाफ जितने भी हैं सब। तो ये तो मतलब वो तो मतलब उनका ना तो कोई उसूल है, कुछ भी इनका नहीं, सिर्फ पैसा उनका उसूल है। उनको फौज पैसे दे वो फौज के साथ बैठ जाती है, उनको नवाज शरीफ पैसे दे नवाज शरीफ के साथ बैठ जाते हैं, उनको अमेरिका पैसे दे अमेरिका के साथ, जर्मनी पैसे दे जाए वो तो मतलब जहाँ पे जेब जिनका गर्म हो वो जाके उन्हीं के साथ बैठेंगे। फिर दूसरा है आम लोग, आम लोगों में फिर इनकी भी फॉलोअर्स हैं, और मैंने रिसर्चेस पढ़ी है मतलब ये प्यू रिसर्च और इस तरह, इसमें ज्यादातर उस इलाके की तो नहीं मगर जनरली बात करते हैं कि जो लोग मजहब के ज्यादा करीब होते हैं वो मतलब रैशनैलिटी रीजन और ये प्रैक्टिकल जो चीज होती है जिंदगी में इनसे थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मकासद के लिए। और यही काफी हाँ, काफी दूर है हमारे तबलीगी कल्चर को देखे अगर। इस तरह ये देख लें आप पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा तबका है, हर घर में पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी या जमात इस्लामी का बंदा नहीं है मगर हर घर में एक तबलीगी जरूर है। एग्जैक्टली वो
उनको ए पॉलिटिकल रहने का दर्ज दिया जाता है कि आप बिल्कुल सियासत से दूर रहें, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, और आप बिल्कुल अल्लाह की राह में निकले, बोरिया बिस्तर लेके इधर निकले 40 दिन के लिए, फिर अगर 40 दिन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट ईयर आप 4 महीनों के लिए जाए और फिर साल के लिए, तो सर उनको मतलब, और फिर और हफ्ता में गश्त और सहरोजा ये वो, उनको बिजी रखा हुआ है, तो उनको तो वैसे ही कट ऑफ किया है। इनको तो आप इस्तेमाल करें, मतलब इसको अगर किसी ने मतलब ओपीएम कहा हुआ है तो इसलिए जा नहीं है, बिल्कुल सही तरह इसको कहा गया है। तो हमारे लोगों पे वो अफीम की तरह मजहब का इस्तेमाल करते हैं, और मजहब का नाम इस्तेमाल करके उनको रूस के ऊपर चढ़ाया गया, जिहाद का नाम देके, मजहब का नाम लेके इनको अब अपने ही अंदर जो तालीम याफ्ता और समझदार लोग हैं उनको मार रहे हैं इन्हीं मजे से, मजहब को इस्तेमाल करके, और कुछ को बिल्कुल दूर रखा है ताकि वो नाम भी ना लें कि हमारे साथ क्या हो रहा ये है। पेटीएम के अगेंस्ट ये लोग इस्तेमाल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ये खुशी की बात ये है कि पीटीएम में मजहबी जमातों के लोग भी शामिल हैं, मतलब नीचे के तबके वाले, क्योंकि ये वही लोग हैं जो रोजाना इन चेक पोस्टों से गुजरते हैं, ये वही लोग हैं जो बम धमाकों में इनके मतलब बच्चे या घर वाले शहीद हो जाते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी मतलब मार्केटें तबाह की गई हैं, और जिनके फल और मजनूआत जो हैं वो बॉर्डर पे मतलब खड़े खड़े तोरखम पे इस तरह खड़े खड़े इनके ट्रक में माल इसका इनका खराब हो जाता है। तो ये इनको अपने असली मसाइल का पता है, और मेरे ख्याल में इस्तेमाल तो होंगे अगर इस हद तक नहीं जहाँ इस तरह वो माजी में इस्तेमाल होती रही है, क्योंकि ये लोग अभी असली जो मसाइल हैं उनको और जो इनके मसाइल और समझ असली वाले लोग भी हम गए। समझ चुके हैं। ठीक, थैंक यू जुबैर थैंक साहब, वेलकम। यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने डिबेट शायद सुनी है, ये जो डिस्कशन हुई थी हकानी साहब के साथ, आप उसको हाँ, फॉलो। मैं खुशकिस्मत था कि मैं ऐसे वक्त में, मैंने नींद से उठा और मैंने जब क्लिक किया तो मैंने देखा कि आपकी डिस्कशन चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी वो टाइम के मुताबिक देख रहा था, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि शायद किसी टेक्निकल वजूहत की वजह से आप कनेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट मैंने वो डिस्कशन सुनी है और बड़ी एनलाइटनिंग डिस्कशन थी। जब भी हकानी साहब को हम सुनते हैं तो मजा आता है, आदमी फ्रेश हो जाता है, और थैंक यू वेरी मच कि आप दोनों ने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया उनके साथ, और उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ बात की। जी, आज वो टेक्निकल तो वो मसला हो गया था, एक तो आज यूरोप में टाइम भी चेंज हो गया है वो समर टाइम की तरफ, तो हमें उसका भी अंदाजा नहीं था, तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। फिर तकी साहब वो चूंकि डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, उधर वो बिजी हो गए, तो कुछ वो और टेक्निकल मसला भी आ गया, बट एनीवे वी मैनेज्ड के हकानी साहब आए और वो बोले। तो आप उन्होंने जो बातें की हैं, जो कुछ पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, आपके उस पे क्या क्या कमेंट्स है विजावी पीटीएम? देखिए, हकानी साहब स्कॉलर हैं और उनकी बात के ऊपर फर्दर बात करना जो है ना, वो तो सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। मैं बेसिकली उनकी तमाम बातों से एग्री करता हूँ, और हमारी इस फोरम के ऊपर खासकर जो आपने उनसे आखिरी 3 सवाल पूछे, उनके जो जवाब उन्होंने दिए वो बड़े खूबसूरत थे, और मैं कम्प्लीटली उसे एंडोर्स करता हूँ, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो मैं उसके जवाब भी दे सकूंगा। लेकिन अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि मैं शुरू उससे करूं कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी को, जैसे हक्कानी साहब ने भी बड़े एलेबोरेट अंदाज में हमें बताया कि मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल किया गया पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को, जो कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में चलती रही थी, उनको डिवाइड करके, और उनके पश्तूनों को डिवाइड करने का जियोग्राफिकली जो हकानी साहब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने अपनी रिसर्च में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिबेट्स हो रही थी, तो उसमें बाचा खान 7 साल की जो उम्र थी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें 6 साल तो वो पाबंद सलासल रहे, लेकिन कुछ वक्त के लिए कुछ सेशंस में उनका आना हुआ, तो उस डिबेट्स में उन्होंने इस नुक्ते को बड़ा एलबोरेट किया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये ब्रिटिश एम्पायर को जो है पश्तूनों की तरफ से एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, तो उन्होंने ये एक तरीका निकाला था कि भाई इन लोगों को जियोग्राफिकली डिवाइड किया जाए, और वो पॉलिसी जो है ना वो
तो वो बेसिकली एड्रेस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कि भाई वो तो अंग्रेजी जो है नौबादियाती निज़ाम का एक हिस्सा और पॉलिसी थी कि जिसके तहत हमें डिवाइड किया गया था, अब तो हम एक आज़ाद मुल्क का हिस्सा हैं, तो आप उस पॉलिसी को चलाने की बजाय और पश्तूनों को वो बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे इसके ऊपर, जहाँ पर इन्होंने ये स्पेशल एरिया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में वो दे रहे थे, और उनका आर्गुमेंट ये था कि भाई नहीं, हम तमाम पश्तून इलाकों को इकट्ठा किया जाए, और उनका बड़ा खूबसूरत आर्गुमेंट था कि बेसिकली इससे आप अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह थ्रेटन फील ना करें, बल्कि ये समझें कि अगर आप हम तमाम पश्तूनों को मिलाएंगे तो हम भी तरक्की कर सकेंगे, हम एक पश्तून यूनिट के तौर पर मजबूत होंगे, और अगर हम मजबूत होंगे तो रियासत भी मजबूत होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई रियासत की मजबूती अगर आप चाहते हैं तो आप इनकी इकाइयों को मजबूत करें। तो ये एक बड़ा खूबसूरत आर्गुमेंट था जो कि उस वक्त उन्होंने रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने, लेकिन हमने देखा कि वही पॉलिसी पाकिस्तानी रियासत ने वो एक शक की निगाह से देखना, और फिर बाद में जाकर मजहबी इंतहा पसंदी को पश्तूनों के अंदर जो है ना एक डिवीजन के तौर पर उनके दरमियान जो है तकसीम को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन अभी जब आप आखिरी बात कर रहे थे तो उसमें एक आपका क्वेश्चन था कि क्या ये मजहबी इंतहा पसंदी मजीद इस्तेमाल होगी इस मूवमेंट को पर्टिकुलरली सप्रेस करने के लिए। देखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो बेसिकली ये जो पश्तूनों के साथ पिछले खासकर 9/11 के बाद और उससे पहले भी 1979 के बाद जो कुछ होता रहा है, और खसूसन 9/11 के बाद पश्तूनों ने जिस तरीके से फेस किया है, जो एक भयानक चेहरा और जो तशद्दुद इस मजहबी पॉलिसी के तहत जो परपेट्रेट किया गया था, उसके जो विक्टिम के तौर पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया है कि भाई अब मजीद उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मुझे याद है कि एक ऐसा वक्त था कि हमारे दोस्त हमें बताते थे कि भाई ये मुल्ला फजलुल्ला जो है रेडियो के ऊपर जब ऐलान करता था कि भाई आप लोग कंट्रीब्यूट करें, चंदे करें, तो वो कहते थे कि हमारी माएँ और हमारी बहनें और हमारी बीवियां जो है ना अपना जेवर लेकर उसके पास जाया करती थी। लेकिन आज आप देखें कि उस फजलुल्ला के तहत जब उन्होंने लोगों के गले काटते हुए देखा तो अब वो उससे बड़े एलर्जिक हो गए हैं। सिमिलरली 2009 में 17 अक्टूबर के बाद जो ऑपरेशन हुआ था और जो लोग आए थे IDPs में, उस वक्त मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो हमारी टीचर्स एसोसिएशन ने एक दो दिनों की तनख्वाह भी वक्फ की थी उन IDPs को हेल्प करने के लिए, तो मैं उनके साथ ऑन द ग्राउंड काम कर रहा था। तो एक बुढ़िया थी जिसके दो बेटे मारे गए थे तालिबान के हाथों, और उसकी दो बहू उसके साथ थी और उनके बच्चे थे, तो उसकी मैं कहानी सुन रहा था और उसके फाइनेंशियल हेल्प भी हम उसके साथ कर रहे थे। तो उसने कहा कि भाई इस हमारी गुफ्तगू के दौरान जो है ना आजान की आवाज उसे सुनाई दी, तो आजान की आवाज जब उसे सुनाई दी तो उसके चेहरे से एक नफरत की एक इजहार हुआ कि भाई इन लोगों ने हमें तबाह बर्बाद किया है। तो वहां पर तो ये जो वो लोग जो इल्म नहीं रखते और स्कॉलरशिप जिनके पास नहीं है, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़नी और जिन्होंने इंटरनेशनल पॉलिसी और पाकिस्तान की पॉलिसी इन चीजों को टेक्निकली भी नहीं समझते, उनको अपने तल्ख तजर्बों ने ये चीज बता दी है कि अब मजीद उनको मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर उनको मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो मैं बड़ा पॉजिटिवली इस चीज को देख रहा हूँ कि इस तमाम तबाही और डिस्ट्रक्शन जो इस इंतहा पसंदी की वजह से पश्तूनों को फेस करना पड़ी, उसका एक मुस्बत पहलू इस सारे बिगाड़ में जो हमारे सामने आता है वो ये है कि शायद वो लोग अपने तजर्बे से सीख चुके हैं, और बाकी रियासत जो है वो एक हारी हुई जंग शायद जारी रखेगी, क्योंकि हमने आज भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि ये जिन लोगों को ये गुड तालिबान कहते हैं, जिसको ये अमन कमेटी के नाम से हम जानते हैं, वो जो वाना के अंदर है मौलवी नज़ीर का ग्रुप है, वो उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, और वाना के अंदर उन्होंने जो है ना पंपलेट्स भी तकसीम किए हैं, सरकारी तौर पर पंपलेट्स तकसीम किए गए हैं, और लोगों को वहाँ पर लोकली इन गुड तालिबान या अमन कमेटी के लश्करों के तहत जो है उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है कि भाई आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। मजे की बात यह है कि 23 मार्च की एक तकरीब जो कि वाना में हो रही थी, जिसमें बच्चे सारे वहां पे गए हुए थे, जवान यंगस्टर्स, उसमें एक इसी किस्म के गुड तालिबान के एक बंदे ने जब मंजूर पश्तून के खिलाफ बातें की तो वो सारे के सारे यंगस्टर्स उठ गए
उन्होंने जो है ना नर पश्तून बहादुर पश्तून के नारे लगाते हुए जो है ना वो वहां से निकले और वहां पे रुस्तम बाजार में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये तमाम साइंस मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि ये बड़े पॉजिटिव हैं। रियासत शायद अपनी वो पुराने हथकंडे जो है ना अपने इस्तेमाल करेगी, लेकिन मुझे मैं बहुत उम्मीद हूँ कि मजहबी इंतहा पसंदी को मजीद एक हथियार के तौर पर पश्तूनों में उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता और नहीं उनको मजीद तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आप दोनों से चाहूंगी कि कमेंट उस पे करें, ये आर्मी के जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं उन पे इन सर्विस भी। एक तो ये कि जैसे अब ये मेजर आमिर भी आ रहे हैं, वो किसी एक जर्नल पे सारे इल्जाम डाल रहे हैं, लेकिन क्या हम ये भूल जाएं कि मेजर आमिर ने कितना गंदा रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में, तो उसको माफ कर दिया जाएगा? या जैसे जनरल और अगजई है, जब वो पेशावर में कोर कमांडर थे या गवर्नर थे, तो उन्हीं के टाइम में कितनी ये सारा जो एक एक खौफनाक गेम है एग्जीक्यूट हुआ। जैसे अब ये ब्रिगेडियर क्या असद मुनीर नाम है उनका शायद, वो भी आके कुछ कर रहे हैं, तो ये जो लोग हैं या फिर जो इन सर्विस लोग हैं, क्या इनको कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इनके थ्रू कुछ कुछ खराबी या कुछ इस मूवमेंट को सप्रेस किया जा सकता है रिटायर्ड एंड इन सर्विस भी जो है पश्तून? मैं तो ये समझता हूँ कि हाँ, रिटायर्ड और सर्विंग इस वक्त जो है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अकाउंट्स जो हैं उन्होंने वो फेक उससे खोले हुए हैं, और उनमें चूंकि वो कभी कभी मेरे साथ पश्तो में इंटरेक्ट करते हैं, बल्कि कुछ तो वजीरिस्तानी पश्तो में मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप उनको देखेंगे कि उन्होंने जो है ना जो अफवाज के अंदर और इंटेलिजेंस एजेंसी के इदारों ने शायद जो है ना पूरे के पूरे ब्रिगेड्स इस काम पे लगाए हुए हैं, और खासकर पश्तूनों को उन्होंने रिक्रूट किया हुआ है पश्तूनों के खिलाफ ही। और मंजूर पश्तून के परसों के बयान में भी उसने ये कहा था कि उसको ये धमकियां भी मिल रही थी कि हम पश्तूनों ही को इस्तेमाल करेंगे, तो वो पश्तून चाहे वो अमन कमेटी के शक्ल में इस्तेमाल हो रहे हैं वाना में, या जरसमल खान में, या टांक में इस्तेमाल हो रहे हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो पश्तून जो है ना अक्सर आप देखेंगे कि वो कर रहे हैं, तो वो सर्विंग भी हैं इस वक्त और रिटायर्ड लोग भी हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक अपनी तहकीक के हवाले से एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जितनी भी स्कॉलरशिप है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें एक चीज के ऊपर तमाम स्कॉलर्स की जो है ना एक एग्रीमेंट है, और वो ये कहते हैं कि जो वैलिड भी है किसी हद तक, कि पाकिस्तान में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए जो वो मुख्तलिफ तजावीज देते हैं या जिन वजूहात को वो आश्कारा करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात क्या हैं, वो है इन सर्विसेज में, खासकर ब्यूरोक्रेसी में और मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसीज में एथनिक रिप्रेजेंटेशन का ना होना, एथनिक ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन का ना होना, वो एक वजह भी करार देते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की, और एक और इस रिक्रूटमेंट में इनकी रिप्रेजेंटेशन होने को एक सलूशन के तौर पर भी वो ऑफर करते हैं। मैंने अपनी तहकीक में ये आर्गुमेंट किया है कि मेरे ख्याल में ये हमें कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस पॉलिसी की कि भाई अगर आप रिप्रेजेंटेशन देंगे इन एथनिक ग्रुप्स को उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इन इदारों का अपना एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर होता है। जब आप अगर आप पश्तून हैं, अगर आप बलोच हैं, अगर आप सिंधी हैं, तो जब आप इस इदारे के अंदर जाते हैं तो पहले तो उनके अपने फिल्टर्स होते हैं कि जो उन फिल्टर्स में से कुछ मखसूस किस्म के लोग ही गुजर सकते हैं, तो और अगर आप उन फिल्टर से गुजर कर इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो जाते हैं तो आपकी जो एथनिक एफिलिएशंस हैं आप उससे ट्रांसेंड करके उस इंस्टीट्यूशन के अपने कल्चर को आप अडॉप्ट करते हैं। तो मैं उस चीज की तरफ इसलिए इशारा कर रहा हूं कि अगर ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब हैं या बाकी लोग जो हैं ये यंगस्टर्स हैं जिनको उन्होंने लगाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर इस तहफ़ मूवमेंट को मेलाइन करने के लिए, ये सब के सब उसी इंस्टीट्यूशनल कल्चर का हिस्सा हैं और वो उसी के तहत उनकी एफिलिएशन जो है ना उस इदारे के साथ हैं कि जिसने उनको एक तशख्स दिया है, जिसने उनको एक पावर पोजिशन दी है। बाकी जहां तक आपने एक मखसूस बंदे के जिक्र किया मेजर आमिर का, तो यहाँ इन लोगों के हाथ पे जो है एक
बहुत ज्यादा अफगानों का और पश्तूनों का खून है इनको इन बातों के ऊपर। लेकिन एक पॉजिटिव चीज मुझे ये नजर आई कि कम अज कम अब हम ये कह सकते हैं कि भाई मंजूर पश्तून के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और उनके ऊपर इल्जाम लगाने वालों को फिर मेजर आमिर के ऊपर भी लगाने होंगे, क्योंकि मेजर आमिर खुद कहता है कि भाई पश्तूनों का कत्ल हुआ है और उस कत्ल में या उस खूनरेजी में उससे वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है और वो कुछ नाम ले रहा है, जनरल लाहिल का उसने नाम लिया है। तो फिर अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर मंजूर पश्तून के ऊपर आप लगाते हैं तो फिर काउंटर हमारे पास मेजर आमिर का आर्गुमेंट भी आ गया कि हम उन लोगों को भी फिर हम चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमने पश्तूनों का खून किया है और आज अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं और कुछ लोगों और अब इन इदारों के साबिका जो 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 वो जनरल हैं जिन्होंने इसको हेड किया है उसके ऊपर आप उनके दरवाजे के ऊपर आप ये इल्जाम ला रहे हैं, फिर तो ये खुला वो है, फिर तो हमें भी एक लाइसेंस मिल गया कि हम भी इसके ऊपर बात करें। हर ये तो बड़ा उस तरह का इशू है कि इस पे बहुत बात की जा सकती है और मैं तो इसको इस लिहाज से भी देखती हूँ हिस्टोरिकली कि पख्तूनों ने कभी भी अपने कातलों को सजा नहीं दी है, उनको अकाउंटेबल नहीं किया है। लोग आते हैं इन्हीं में से मारते हैं कत्ल करते हैं और फिर सब अच्छा है, सब भूल जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री पे अब हमें ये वाला जो रिवायत है इसको भी तोड़ देना चाहिए एंड वी शुड होल्ड दोज पीपल अकाउंटेबल कि जिन्होंने बिल्कुल बहुत ज्यादा मैसेकर किया है। लेकिन इस पे हम किसी और टाइम बात करेंगे। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, मेरा ख्याल है ये जनरल हसन खान थे जब ये 2006 या 2007 में वो जो वजीरिस्तान में ये उज़्बकों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो मुझे एक दफा बताया था हसन खान ने, जनरल हसन खान ने, कि जब ये उनको कमांड कर रहे थे कि इनकी जब लड़ाई हो रही थी तो इसने ये कहा कि इनके पास जो आर्मी थी वो पीछे और वजीर कौम के जो लोग थे उनको आगे कर दिया कि आप आगे जाके लड़े। तो मेरे जहन में फौरन सवाल आ गया ये किस किस्म की फौज होती है कि वो सिविलियन को आगे करती है कि आप आगे जाके उज़्बकों से लड़े और फौज पीछे हो। तो ये इस किस्म की जो जो हरकतें की हैं हमारे जो फौज के अंदर जो पख्तून हैं, तो ये है कि दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब उसमें कितने लोग मारे। जी जुबैर, मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगा उस पे अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये कि 2006 में वजीर जो अहमद जई के वजीर थे और कुछ मसूद थे, उन्होंने उनके लश्कर बनवाए गए थे फौजियों की तरफ से। उन लश्करों का काम यह था कि वो उन एरियाज को कॉम करें, ये शकई का एरिया है जहाँ पे नॉर्थ और साउथ, जहाँ पे साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान मिलते हैं, उन एरियाज की कॉम्बिंग के ऑपरेशन के लिए फौजियों ने वहां पर लोकल चालवेश्ताएं बनाया था जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में। तो वो जब अपने सारे दिन की कार्रवाई के बाद, दो तीन दिन उन्होंने कार्रवाई की, एक दिन सुबह से वो आए, उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई की और शाम के वक्त जब वो इकट्ठे हुए ये डिसाइड करने के लिए कि कल वो अपनी कार्रवाई कहाँ से शुरू करेंगे, तो अचानक जो है जंडोला फोर्ट से उन्होंने बड़े बड़े हैवी आर्टिलरी के गोले दागे जिसमें 70 लोग मारे गए। 70 वो लोग मारे गए जो कि फौज का काम कर रहे थे। मंजूर पश्तून ने एक दफा इस चीज की तरफ रेफरेंस दिया है और यही वजह है कि उसका ये डिमांड कि भाई इसमें किसने किसको मारा, कब मारा, इसके लिए एक कमीशन होना चाहिए कि एक हम लार्जर लेवल पे इन तमाम इश्यूज को हम निकालें कि कैसे जो है ना पश्तूनों को इस्तेमाल करके, ये एक वाक्य जो है ये एक मिसाल है। इस तरह के बहुत से ऐसे वाक्य हुए हैं। एक तो ये बात, दूसरी आखिरी बात यह है कि ये जो लोग हैं जो रिटायर्ड जनरल हैं, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, मुझे उनकी एक बड़ी साइकोलॉजिकली डीप साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम भी लगती है। शायद उनके जहनों के ऊपर एक एहसास जुर्म है जिसको खत्म करने के लिए वो शायद इस पश्तून मूवमेंट को मेलाइन करने के पीछे में की शहूरी जो कोशिश है उसके पीछे में उनकी एक लाशहूरी कोशिश देख रहा हूँ कि वो शायद अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक था। बाकी जो है ये उनके और उनके जमीर के दरमियान की बात है, उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक था या नहीं, हमारे नजर में तो उन्होंने बहुत गलत किया। हाँ ये बिल्कुल, और कुछ दिन लोग इसी तरह से करते हैं, बहादुर लोग गलती भी फिर मान लेते हैं। तो ये बिल्कुल, एक तो उन्होंने कत्लेआम किया है और ऊपर से वो बुजदिलों की तरह काम करें। आप मुजीब साहब, अब आपकी तरफ वही क्वेश्चन आपकी तरफ है ना कि ये जो फौजी भी हमारे जो है जो बिल्कुल कत्लेआम में तो शामिल रहे हैं ना मसाकर में, तो उनके साथ अब फिर उनके साथ क्या किया जाए?
ये तो जब इख्तियार आ जाएगा हाथ में तो फिर हिसाब किताब और सारी अकाउंटेबिलिटी होगी, जो अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ना पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये इख्तियारात नहीं है कि वो किसी भी साबिका या हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर या जनरल का एहतसाब करें। जनरल मुशर्रफ की मिसाल हमारे सामने है, उनको मतलब अदालत के सामने पेश होने का कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कमर में तकलीफ है, दिल का दौरा पड़ रहा है, तो और पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा है भी नहीं जो कि मेरा इलाज कर सके, तो बाहर भेज दिया। फिर उनको डांस थेरेपी बताएगी कि आप डांस के जरिए अपनी कमर की तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो या अभी तक तो हमारे पास कोई मतलब इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है कि हम इनको अकाउंटेबल रख सकें। दूसरी बात ये कि जब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा तो स्टेटस को में हम ये नहीं कर सकते, इसके लिए चाहिए कि लेकिन इस्तेमाल ये लोग इस्तेमाल भी तो हो रहे हैं ना, और हमारे हो। यहाँ के अब खिलाफ देखिए मेजर इस्तेमाल। आमिर, दो मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए हैं कि एक तकरीब में मेजर आमिर के हाथ से एक शायर थे मेरे ख्याल में या स्टूडेंट थे, उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार किया, शायद आप लोगों को याद, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, स्टेज पे आके उन्होंने कहा कि भाई मैं इनके हाथ से मैं नहीं लेना, ठीक है, इनकार किया। तो उनको पता चल रहा है कि ये लोग मतलब इतने बेवकूफ नहीं है जितना इनको बनाया गया या समझ नहीं रहे, तो और इनको अपना जो आप है अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, क्योंकि ये अब एक आम बंदे की तरह सिविल सिविलियन लाइफ गुजार रहे हैं और ये अवेयरनेस पैदा हो रही है, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं कि ये मिडनाइट जयकाल में किसका हाथ था और ये इधर उधर, तो अब वो किस तरह सवाबी में और या इस्लामाबाद में ये लोगों के और इस तरह चार्ज इन्वायरमेंट में रहेंगे, इनको उनके बच्चे अभी हैं, ये इसे माहौल में ग्रो कर रहे हैं, तो इनको अपनी फिक्र पड़ी है कि अब ये आगे क्या करेंगे। और मैं एक बात जरूरी समझता हूँ, तो ये कमीशन की बात करते हैं मंजूर या इनके साथी, तो क्या ये पाकिस्तान के जितने कमीशन पहले भी बने हैं अभी भी हैं, तो उस तरह का अगर कमीशन बन भी जाए तो क्या हमें इस तरह का कमीशन नहीं चाहिए? हमें कमीशन इस तरह का चाहिए जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग बैठे हों, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लोग हो, और चाहे वो यूएन के हो, जिस जिस कोई भी क्रेडिबल इदारा और उनके लोग, वो इनकी मतलब सरपरस्ती तो मैं नहीं कहूंगा मगर ऑब्जर्व, चाहे अगर इस तरह का कोई कानून नहीं है तो ये अपने मुतालबात में ये मुतालबा लें कि इस तरह का कानून बनाए। कितना टाइम लगता है कानून बनाने में, पार्लियामेंट मौजूद है, लोग मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी बड़े तंग आ चुके हैं इन बूथों से, इनको एक कानून बनाना चाहिए इस तरह का कि, या होगा मेरे ख्याल में कि एक कमीशन बन जाए जिसमें मतलब ये तमाम जो बाबड़ा से लेके अभी तक कहे कि कतरे का खून का हिसाब किताब हो और उस पे इंटरनेशनल जो इदारे हैं क्रेडिबल उनके लोग बैठे हों और वो ऑब्जर्व करें, ताकि ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए पता चले और निचले तबके से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग उसमें मुलव्वस हों उन सबको सजा हो। ये सिर्फ नहीं कि कमीशन बन जाए, रिपोर्ट बन जाए और फिर वो कोल्ड स्टोरेज में रिपोर्ट जो फाइंडिंग्स है वो चले जाएं। अभी तक हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और ये जो ओसामा बिन लादेन की पर रिपोर्ट है, अहमदाबाद कमीशन, ये क्या क्या बना इनका, कुछ भी नहीं बना। तो कुछ भी नहीं कमीशन हो तो कोई इफेक्टिव इस तरह का हो कि जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो। जी हाँ, बस ये कि ये दो किस्म के ये तबके हैं जो कि बहुत ज्यादा पश्तूनों के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। एक तो हमारी मजहबी क्लास है, ये लोग हुए हैं, और एक ही है कि जो फौज के अंदर लोग हैं। तो ये कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा नैरेटिव हमारा हो कि अब हम लोग ये समझें और इनको क्वेश्चन करें, और कम से कम ये हो कि आइंदा न तो मजहबी लोग इस तरह इस्तेमाल हो अपनी लोगों के खिलाफ, और ना ही जो फोर्सेस के हमारे लोग हैं। तो ये नैरेटिव हमने बिल्डअप करना होगा। मैं अफगानिस्तान में देख रही हूँ कि वही गुलबदीन जो है,
वो गवर्नमेंट में है, इसी तरह दूसरे जो वॉर लॉर्ड्स थे या जो मजहबी के नाम पे वॉर लॉर्ड्स थे, वो सारे पावर में बैठे हुए हैं। कम से कम हमारे साइड पे ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमने इस बात का फैसला करना है कि जो भी हमारे लोगों के कत्लेआम में इन्वॉल्व रहा है, चाहे उन्होंने इस्लाम के नाम पे किया है चाहे स्टेट के नाम पे किया है, वो अब अकाउंटेबल होगा। और हम मेक श्योर करेंगे, हमारी ये जनरेशन मेक श्योर करेगी कि नेक्स्ट जनरेशन में इस किस्म के गद्दार पैदा ना हो। इस पे हम आइंदा भी बात करेंगे, लेकिन आज के डिस्कशन को मैं वाइंड अप करती हूँ, और बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ हुसैन हक्कानी साहब का भी, जो कि इस वक्त नहीं है हमारे साथ, लेकिन एक बार फिर उनका शुक्रिया, और मुजीब साहब का भी बहुत शुक्रिया कि आप थ्रू आउट प्रोग्राम साथ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किए हैं, और जुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहले वो डिस्कशन भी सुनी है और फिर बाद में आके हमारे साथ बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, उनसे मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब ने जाना था तो वो सारे क्वेश्चन हम उनसे टेकअप नहीं कर सके, लेकिन क्वेश्चन हमने नोट कर लिए हैं, तो आइंदा हम के प्रोग्रामों में डिस्कस भी करेंगे, और उम्मीद है कि किसी और मौके पे हुसैन हक्कानी साहब आ जाएं तो हम उनसे भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपसे मैं इजाजत चाहती हूँ, खुदा हाफिज़।